अगली खबर चंडीगढ़ तो है जिथे स्क्रैप दे गोदाम दे विच भयानक अग लगी है। कई घंटिया तो दस दिए कि अग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड मौजूद है। अग ते काबू पाने दी कोशिशां फिलहाल जारी ने। अजे ही भयानक अग लगी है। अज तड़के दस दिए कि अग भड़की है और इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन है जिथे कि गोदाम है और जिस गोदाम दे विच अग लगी है गोदाम पाए समान का जिहड़ा वड्डा नुकसान होया है जानी नुकसान तो बचा रहा है और ये तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। लगभग असीं कह लईए कि शुरुआती जी जी अग है वह बहुत ज़्यादा जी भयानक सी वह तो बुझ चुकी है पर अजे भी अग लगी हुई है। ये तस्वीर च भी वेख्या जा सकता है अजे भी पूरी तरह के नाल अग बुझी नहीं है और जदों तक बिल्कुल अखिरली चंग्यारी तक जी बुझ नहीं जाती तो उस बुझिया नहीं मनिया जा सकता क्योंकि उस तो बाद भी अगे फैलन का अग डर रहा है। तो बहुत व्डा असं कह सकते हैं भयानक ये जिहड़ा अग का मंजर वेखण इतने मिलया है। सारा कुछ सड़के सवाह हो चुका है। स्क्रैप का यह गोदाम से जिस दे विच भयानक अग लगी। तस्वीर तुम दिखा रहे हैं कई घंटे हो चुके हैं अग लगी हुई नूं। इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन है चंडीगढ़ का जिथे कि अग लगी है। स्क्रैप का यह सारा समान इतने पिया सी तां उस दे विच सुभाविक तौर पर ज़्यादा अग फैलन का खदशा रहा है ज़्यादा डर बनिया रहा है और उस तो बाद हुण वेख्या जा रहा है कि कुछ इस समय मतलब कह सकते हैं कि असी मलबा ही यह बचिया है और ये तस्वीर दे विच एक स्क्रैप दे गोडाउन दे विच अचानक अर्ली मॉर्निंग अग लगी है। हालांकि अग दे जिहड़े लगन दे कारण हजे फिलहाल नहीं पता लगे लेकिन काफी नुकसान जिहड़ा है वह जरूर सामने आया। तो तस्वीर भी तुसी देख रहे हो तो जिहड़े ओनर ने उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा होया लेकिन राहत की गल है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का समय सी किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होया। इत्थे वर्कर हुंदे है सारा दिन इत्थे काफी काम चलता है स्क्रैप डीलिंग का या फिर होर भी चीजा हुंदी है। सर कितने बजे की बात है कब पता चला था? हमारे को 5 बजे पता लगा सर। अच्छा 5 बजे हमारे को पता लगा उस टाइम फेवरी एड की गाड़ी आ गई थी। हाँ जी। तो कारण कुछ पता चला? कारण तो जी ऐसे बिजली सर्किट से ही होया जी। हाँ जी ठीक है। तो हाँ जी अभी तक कितनी गाड़ियां जो है वो पहुँच कर यहाँ पर आ गई? 15-20 गाड़ी आई थी जी। 15-20। हाँ जी। तो कितना बड़ा एरिया ये पूरा आप? ये हाँ 2 कनाल जगह जी। ये सर कनाल? हाँ जी। किस तरह का स्क्रैप होता है आपके? हमारे पास लोहा की स्क्रैप होती है जी। अच्छा, लोहा की स्क्रैप होगी या गत्ते की स्क्रैप है जी। हाँ पूरा सामान वगैरह सारा जल गया? हाँ सारा जल गया जी। इतना नुकसान होगा जी 10-15-20 लाख रुपए का नुकसान है जी। हाँ जानी नुकसान वगैरह? नहीं जी कोई जानी नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट ही जी। सुबह सुबह हुआ है? हाँ जी सवेरे। कौन होता है सुबह सुबह? सवेरे हमारा चौकीदार होता है जी। उसने आपको? हाँ जी उन्होंने हमारे को फोन करा। आस पास में ये क्या है साथ में? ये भी बराबर में लोहा के काम है उनका भी। तो बिल्कुल जिहड़े ओनर ने उन्हां वल्लों जानकारी दी गई है कि पूरा स्क्रैप का काम है। हालांकि मौके ते जिहड़ी फायर दी गड्डी है वह पहुंच गई सी। करीब करीब 2 दर्जन जिहड़ी गड्डियां है वह पहुंच के हालांकि हुण काबू पाया जा रहा है लेकिन हजे भी अंदर जिहड़ा है वह देख सकते हो कि अग लगी हुई है। कोशिश की जा रही है कि उन्हों क्योंकि इहदे विच स्क्रैप जिहड़े दे नाल नाल होर भी चीज़ां ने लोहा या फिर होर जिहड़ा पुराना समान हुंदा है वह भी हैगा क्योंकि काफ़ी वड्डे लैवल का यह गोडाउन 2 कनाल दे विच ये पूरा फैलिया होया लेकिन पूरा समान जलकर खाक हो चुका है। यानी कि हुण तुसीं देखो करीब 4 बजे अग लगी सी ते 4 बजे तो लैके हुण तक दी करीब 7 तो 8 घंटे हो चले ने हजे भी जिहड़ी अग ते काबू पाण दी कोशिश की जा रही है। अंदर दमकल दी जिहड़ी गड्डियां पहुँच के दमकल दे जिहड़े फायर ऑफिसर ने वह पहुंचे सीगे होर जिहड़ी पुलिस उत्थे पहुंची सी क्योंकि सब तो पहला यही है प्रियोरिटी कि किसी तरह का कोई अंदर तो नहीं कोई फसया होया कोई इंपलॉय अंदर तो नहीं फसया होया उन्हों असी कढ़ीए। हालांकि इन्हों वालों जानकारी दी गई है कि अंदर कोई नहीं सीगा क्योंकि सवेर का समय लेकिन काफ़ी नुकसान होया बिल्कुल नाल ही रेसीडेंस एरिया ये बैकसाइड से शराब की फैक्ट्री भी बिल्कुल बैकसाइड से इतने शराब की फैक्ट्री से भी पहला अग लगी सी करीब 1-1.5 साल पहला। हालांकि हुण काफ़ी राहत की गल है कि कोई जानी नुकसान नहीं होया लेकिन जिहड़ा इन्हां दा माली नुकसान होया जिहड़ा इन्हां वल्लों जानकारी दी गई है करीब 15-20 लाख का जिहड़ा समान है जिन्ना भी स्क्रैप सीगा लोहे दी होर भी कई चीज़ां जिहड़ियां वह जल के सुआह होगी। तो कह सकते हैं कि जेकर दिन च इस तरह की घटना होंगी तो कितने ना कितने जानी नुकसान भी हो सकता सीगा क्योंकि बिल्कुल सामने एक जिहड़ा रेसीडेंस है झुग्गी है। कोई ब्लास्ट वगैरह तो नहीं होया? नहीं जी कोई सिलेंडर भी नहीं था जी। सिलेंडर? हाँ जी।